असलमकुम वरह लि वरक नाजन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज की जो रकतें हैं उनमें हमें शुबा हो जाता है शक हो जाता है कि हम कौन सी रकत पढ़ रहे हैं कभी ये शुबा हो जाता है कि ये जो रकत मैं पढ़ रहा हूँ ये दूसरी है या फिर तीसरी है या ये शुबा हो सकता है कि ये जो रकत मैं पढ़ रहा हूँ वो तीसरी है या चौथी है इस तरह के शुभात अक्सर हजरात को नमाज के अंदर होते रहते हैं तो अगर नमाज में इस तरह का शुबा हो जाए तो उसका हल क्या है हमें क्या करना चाहिए तो अगर इस तरह का शुबा हमें नमाज में हुआ है तो उलमा फ़रमाते हैं कि अगर ये पहली मरतबा आपको हुआ है, यानी ज़िंदगी में ये पहला चांस है कि आपको नमाज की रकतों में शक हो रहा है तो फिर इसका हुक्म यह है कि अब आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी उसका अदादा करना ज़रूरी है लेकिन अगर ये पहली मरतबा नहीं हुआ है बल्कि आम तौर पर आपको शक हो जाता है नमाज की रकतों के अंदर तो फरमाते हैं कि फिर इसकी दो सूरतें हैं एक कि हम गौर फिक्र करें तहरी करें और जिस चीज़ पर हमारा दिल जम जाए उसी के एतबार से हम नमाज को मुकम्मल कर लें मिसाल के तौर पर आपको शुबा है कि आप जो रकत पढ़ रहे हैं वो दूसरी है या फिर तीसरी तो आपका दिल अगर दूसरी पर जम रहा है तो आप उसको दूसरी मान करके ही नमाज को मुकम्मल कर लें और आखिर में सजद साहब कर लें लेकिन गौरव फिक्र करने के बाद भी आपका दिल किसी चीज़ पर नहीं जम रहा है कि दूसरी है या तीसरी है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसका हल ये है कि आप उसको कम वाली रकत मानते हुए नमाज को मुकम्मल करें और आखिर में सजदय साहब कर लें यानी इसका मतलब यह है कि आपको अगर ये शुबा है कि नमाज की जो मैं रकत पढ़ रहा हूँ ये दूसरी है या तीसरी है, तो इसमें कम वाली दूसरी है लिहाजा आप उसको दूसरी ही मान लें और फिर दो और रकतें मिला कर के नमाज को मुकम्मल कर लें या फिर आपको ये शुबा है कि तीसरी रकत पढ़ रहा हूँ या चौथी रकत पढ़ रहा हूँ तो तीसरी और चौथी में जो कम वाली है वो तीसरी है लिहाजा आप इसको तीसरी ही मानेंगे और एक रकत और मिला कर के नमाज़ को मुकम्मल कर लेंगे और आखिर में सजद साहब कर लेंगे